विधानसभा में आज बाड़मेर में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मृत्यु को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्थगन प्रस्ताव के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने के साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी इस मुद्दों पर दखल देते हुए सरकार से हिरासत में मौतों के मामले में पीड़ित परिवारों की सहायता प्रदान करने के लिए सरकार से नियम बदलने का आग्रह किया। सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने पीड़ित परिवार को उचित सहायता देने की मांग की। और यह वही थाना है जिसे 7 दिन पहले एक व्यक्ति को पकड़ करके उनके गुप्तांगों पे जिस प्रकार की घटना आई थी, यह वही पुलिस थाना है। उस पुलिस थाने के जितने अधिकारी हैं, एसपी है, इन सब पर 302 का मुकदमा करके इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। और इस तरह दलित विरोधी सरकार, जिस तरह दलितों की हत्याएं होती जा रही हैं, मैं समझता हूं कि इसके लिए तत्काल गृह मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। न तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर थी, न कोई जांच पेंडिंग थी, कोई किसी अदालत का वारंट था जिसके आधार पर उसको बुलाया जा सकता था। और फिर मरने के बाद रिकॉर्ड में लिख रहे हैं कि किसी से सूचना आई थी कि भाई पाइप चोरी कर रहा है, तो जब इसको बुलाने गए थे वहां तब देखा नहीं कि कौन से पाइप आए हैं, कहां से आए हैं, किसके आए हैं, जांच वहां नहीं हो सकती थी। मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिजन को नौकरी दी जाए। आज सरकार का जो संवेदनहीन चेहरा सदन में जो आया है, बहुत ही लाइटली इसको लिया जा रहा है। और गृह मंत्री के रूप में जो जवाब दिया है शांति धारीवाल जी ने, वो बहुत ही एक हास्यास्पद जवाब है। और ऐसा लग रहा है कि उनको इस इतनी बड़ी घटना को लेकर न तो कोई अफसोस है न कोई दुख है। एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस ने कुछ गलती नहीं की, तो इतने सारे अफसरों के खिलाफ अपने एक्शन क्यों लिया? आप जब सस्पेंड कर रहे हैं थानाधिकारी को, डिप्टी और एसपी को आप एपीओ कर रहे हैं और पूरे थाने को लाइन हाजिर कर रहे हैं, तो आप खुद तो गंभीरता मान रहे हैं उसकी अपराध हुआ है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है और पुलिस को बचाने की स्पष्ट भूमिका में मंत्री महोदय नजर आए।